नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और आपकी फ्यूचर की एनर्जी। पास्ट मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इससे 2-3 दिन पहले की वक्त को आप पास्ट ले सकते हो। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 3 दिन बाद की जो वक्त रहेगा उसको आप अपने फ्यूचर रीडिंग के साथ जेनरेट कर सकते हो। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरह से ही देखिएगा, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और आपकी फ्यूचर की एनर्जी। लिब्रा तुला राशि, सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। पास्ट की एनर्जी, फोर ऑफ कप्स। मुझे लगता है पास्ट में आप थोड़ा दुखी थे, थोड़ा परेशान थे, किसी बात से आप उदास थे, परेशान थे। हो सकता है आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, किसी जॉब, किसी नौकरी, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या आप किसी लव वंस का इंतज़ार कर रहे थे। आप दुखी थे, आप परेशान थे, हालांकि आपके पास और भी ऑप्शन था लेकिन आपका नज़र उस पर ही टिका हुआ था जो आपके पास नहीं है और जो अभी आपके पास नहीं है, जो हो सकता है बाद में आए, बेटर ऑप्शन आए, लेकिन आप जो नहीं है उसी के याद में दुखी थे, परेशान थे। इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट की थी। पास्ट में आप किसी चीज़ का अगर मैं कहूँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो है जैसा है वो उसमें आप खुश नहीं थे, जो नहीं है आपके लिए वही बेटर ऑप्शन था। हो सकता है वो ऑप्शन बेटर भी हो या फिर आपके सामने बेटर ऑप्शन आ भी सकता है या फिर आया भी होगा, लेकिन आपका जो एनर्जी था इस तरह की था कि जो है वो सही नहीं है, इससे बेटर कुछ मुझे मिलना चाहिए, मैं इसकी हकदार हूँ, इस तरह की आपकी एनर्जी था। इसके चलते आप थोड़ा दुखी थे, थोड़ा परेशान थे। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। आपको किसी और बेटर चीज़ की इंतज़ार था। प्रेजेंट में देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में हो सकता है आप देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में हो सकता है आप किसी नई चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कुछ नया करने की सोच रहे हो, किसी की दोस्ती के लिए आप सोच रहे हो। हो सकता है आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है या फिर आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो, आप किसी के साथ नए रिश्ते में जाना चाहते हो, लाइफ में कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो। आप एक्चुअली आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो लिब्रा, क्योंकि पास्ट में भी कप्स का कार्ड आया था तब भी आप दुखी थे, परेशान थे, और प्रेजेंट में पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशन जो है आपका वो हमेशा आपका थोड़ा उतार चढ़ाव में रहता है। प्रेजेंट में आप खुश हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, किसी के साथ दोस्ती करने की, नया काम, नया जॉब, नया रिश्ता, कुछ नए तरह से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हो, एक यंग एनर्जी में रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो कुछ भी हो गया सो हो गया, जो अभी जो है उसको नई तरह से शुरू किया जाए। इसके लिए आप किसी से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो और किसी को माफ़ करने के लिए भी तैयार हो। आप पुरानी परेशानी को दोबारा से अपनी लाइफ में लाने की बात कभी नहीं सोच रहे हो, आप सब कुछ नया करने का सोच रहे हो, जो होगा नया होगा,
जैसा पहले था अभी उसके बारे में हमें नहीं सोचना। ऐसा भी हो सकता है कुछ लिब्रा जो माता या पिता बनने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट में, हो सकता है उनके घर नन्हे मेहमान आ जाए और कोई नई तरह से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी ही एनर्जी को एक नई लेवल पे ले जाना चाहते हैं। जैसा वो पहले थे, दुखी थे, उदास थे, उस तरह की वो अभी रहना नहीं चाहते हैं। अभी अपने आप को एक नई तरह से देखना चाहते हैं, दुख ना हो उनकी ज़िंदगी में, इस तरह की सोच उनमें है। अभी ये गॉड के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, लेकिन प्रेजेंट का जो आपका एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी में आप हो कि सब कुछ भूल जाना, नई तरह से शुरू करना, माफ़ी दे देना, माफ़ी मांग लेना, अपना प्यार अगर शुरू करना है, अगर जॉब शुरू करना है तो नई तरह से नया कुछ, खुद को भी एक नए तरह से प्रेजेंट करना है सबके सामने। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है फ्यूचर में आप किसी चीज़ को बाय बाय कहोगे, हो सकता है कोई रिश्ता, कोई जॉब, कोई कुछ भी जहां आपने बहुत पहले हो सकता है बहुत एफर्ट डाले थे, तो अभी आपको लगेगा, फ्यूचर में आपको लगेगा कि जो मैंने किया था उसके परिणाम तो मुझे कुछ नहीं मिला, या फिर आपने जितना परिश्रम किया, जितना मेहनत किया, उसका अनुसार आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके चलते आपको लगेगा कि मुझे इस चीज़ से बाहर हो जाना ही सही रहेगा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, किसी भी चीज़ से आप खुद को बाहर निकलने के लिए सोचोगे। आपको लगेगा कि अभी वक्त सही नहीं है, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम फिर से सोचने के, लौटने के बारे में सोचेंगे, चाहे दोस्ती हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो। आपको इस तरह की एनर्जी आप फील कर सकते हो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे 2-3 दिन बाद आपको लगेगा कि मुझे इस जगह से अभी के लिए मुझे ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसमें अभी भी फंसा या फंसी रहूँगी तो मेरा जो एनर्जी है वो हमें सही रहने नहीं देगा, मैं दुखी रहूँगी, मैं परेशान रहूँगी, मेरे बातों से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी के लिए मुझे इस चीज़ से खुद को दूर रखना है, जब सब सही हो जाएगा, मुझे ये लगेगा कि सब कुछ सही है, तब मैं वापस आने की सोचूंगी। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, रेड या ब्लैक कलर की जो भी सब्सक्रिप्शन का बटन है आपके फ़ोन पे, प्लीज़ उसको क्लिक करके जाइएगा। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहे हैं कि दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने सही समझा, पुराने चीज़ों को ख़त्म करना, पुरानी परेशानी को ख़त्म करना, पुराने जो चीज़ आपको परेशान करता है रह रह के बार बार, हो सकता है आप कभी भूल जाते हो, कभी आपको याद आ जाता है, कभी आप फिर से पुराने दिनों में वापस चले जाते हो, यादों में फिर से नए तरह से खुद को देखना चाहते हो। इस तरह की जो चीज़ें आपके दिमाग में चलता रहता है तो आपको उसको ख़त्म करना होगा, आपको नॉलेज से काम लेना पड़ेगा, आपको मेहनत करके अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। हर चीज़ में अगर आप खुद का इन्वॉल्वमेंट चाहते हो तो पहले अपनी स्टेबिलिटी पर काम करो। अगर आपको लगता है कि मुझे सबसे स्पेशल रहना है, सबसे आगे रहना है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, हो सकता है आपके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं,
इससे आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए, आपको आगे रहना है, आगे जाना है, और तभी सारी बात फीके पड़ जाएंगे जब आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचोगे, खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए सोचोगे, मेहनत करोगे, मेहनत करके वो पोजीशन आप हासिल करोगे, तब किसी के कुछ बोलने से कुछ आता जाता नहीं है, और उस तरह के लोग, उस तरह की माहौल को आप अपने से अलग करके रखोगे, रखना चाहिए, ऐसा यूनिवर्स ही कहते हैं। ये हमेशा करना चाहिए कि जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, उससे कम बोलिए। और एक बात, जो भी बोलिए सोच के बोलिए, ऐसा नहीं कि आपने किसी को कुछ बोल दिया उसको बुरा लग जाएगा, तो बोलिए, जब सोच के बोलिए, थोड़ा मीठा बोलिए और चीज़ों को क्लैरिटी के साथ बोलिए, ऐसा नहीं कि उत्पटांग कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी आपका जो वक्त आ रहा है डे बाय डे, आप उतनी स्ट्रांग बन रहे हो जितना स्ट्रांग आप पहले नहीं थे, तो अभी आपको बातों में भी वो स्ट्रांगनेस लाना पड़ेगा, ताकि कोई आपसे बात करने से पहले दोबारा सोचे, और आप भी किसी को भी अपने बात कहने के मौका भी दो, ताकि वो आपको सही बता पाए। अगर नहीं भी बोल सकता है तो आपको इतनी तो इंट्यूशन आपको रखना चाहिए कि वो इंसान सामने वाला आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके अनुसार आपको बात करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।